हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। मैं रामवीर राजपूत आपका स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर वन स्टडी लर्निंग चैनल वाईफाई स्टडी में। हाँ जी, तो हम पिछली क्लास में जो हमने बात की थी वो ट्रांसफार्मर पर बात की थी, डेप्थ में जाके बात की थी, एक एक बात को क्लियर किया था। यहाँ पर आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार देख लेना इसको। आप वीडियो को ये मत सोचना कि सर ने धीरे पढ़ाया था या कोई और बात थी। भाई देखो, सीधी सी बात है कि पढ़ाने में टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल में टेक्निकल पॉइंट किसी को बहुत जल्दी समझ में आता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, तो टीचर तो उस हिसाब से चलना पड़ता है जिस हिसाब से लगभग सभी बच्चों को क्या हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, हम एक तो लाइव चल रहे हैं और लाइव में हमें एक एक बात का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, हमें एक एक पॉइंट को क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, पिछली क्लास में बहुत सारी बातें आपको बताई थी, आपने उन्हें सुना होगा। ठीक है, अब उसको अप्लाई करने की बात आती है। तो आज मैंने आपके क्वेश्चंस के लिए डिज़ाइन किया हुआ है क्लास। ट्रांसफार्मर पर क्वेश्चन लेने वाले हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेने वाले हैं और इसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। और आपके पास जो समय रहेगा, 20 सेकंड दें या 30 सेकंड दें, 30 सेकंड दें या 20 सेकंड दें एक क्वेश्चन के लिए, जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई, जितने स्टूडेंट हैं। भाई गुड मॉर्निंग, भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, 20 सेकंड या 30 सेकंड। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग मैं समझ रहा हूँ, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और भाई बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी पड़ेंगी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में। आपको एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ड्राइंग के एक एक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताना पड़ेगा, पेंसिल्स के बारे में बताना पड़ेगा, पेपर्स के बारे में बताना पड़ेगा, प्रोजेक्शन व्यू के बारे में बताना पड़ेगा, लिमिट वगैरह के बारे में आपको बताना पड़ेगा, क्लेरेंस क्या होता है ये बताना पड़ेगा। फिर उसके, ये तो ड्राइंग का सब्जेक्ट है, ड्राइंग के अंदर ये चीज़ें बतानी पड़ जाएंगी। फिर उसके बाद में आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, लोको पायलट मेंस का पेपर इस बार टाइम की वजह से थोड़ा और मात खाएगा। इस बार समय वही 90 मिनट, आप ये सोच रहे हैं कि 90 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, नहीं, अभी आपने क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद 90 मिनट का पता नहीं लगता है। 20 सेकंड की 30 सेकंड, 20 की 30, 20 सेकंड की 30 सेकंड, 20 या 30, 30, अच्छा चलो ठीक है, मेरे पास 30 के तो काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए। चलो ठीक है, 30 सेकंड का समय मिलेगा आपको एक क्वेश्चन को करने का। और आपके जो ये रहा 2 सेकंड, 30 सेकंड का आपको समय मिलेगा। अगर देख लूंगा फिर मैं उस हिसाब से, अगर कोई क्वेश्चन लेंथी होगा तो लेंथी के लिए 30 सेकंड दे देंगे, कोई सिंपल आ जाएगा तो उसके लिए कम समय दे देंगे। ठीक है, ऐसे देखो, इसको मैं एक साइड रख देता हूँ यहाँ पर आपका, और क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भाई ये है आपका क्वेश्चन, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है लेकिन मैं आपको इससे पूछूंगा जरूर, क्योंकि मेरे को तो वो सारे काम करने के एग्जाम में जरूरी थोड़ा है कि बोले कि हमेशा वही जो हमने समझ रखा हो। स्टार्ट किया, टाइम बताइए भाई क्या आएगा आंसर, जरा आंसर बताओ क्या आएगा। एक पावर ट्रांसफार्मर का निर्माण किया जाता है, एक पावर ट्रांसफार्मर जो होता है उसका निर्माण किया जाता है, किसके अनुसार निर्माण किया जाता है, क्या ध्यान में रखा जाता है। पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी, मतलब अधिकतम दक्षता पर उसका जो निर्माण किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है। क्वेश्चन दोबारा सुन लो, एक पावर ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के अनुसार उसका निर्माण किया जाता है। शाबाश शाबाश शाबाश, कितने परसेंट पर निर्माण किया जाता है पावर ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन आपका धमाकेदार आया है और शानदार क्वेश्चन आया है। हाँ भाई, क्वेश्चन हमारा क्या था, एक पावर ट्रांसफार्मर का अधिकतम दक्षता पर किस प्रकार निर्माण किया जाता है। हिंदी में थोड़ा देख लेना, अधिकतम दक्षता पर किस प्रकार निर्माण किया जाता है। तो ध्यान से समझो, पावर ट्रांसफार्मर के लिए सीधा सीधा सिंपल फंडा ये है कि भाई पावर ट्रांसफार्मर के बारे में पता होता है कि ये सीधा सीधा यहाँ से जो एनर्जी बनी है, यानी 11 केवी में उत्पादन हुआ, 11 केवी के बाद में स्टेप अप करके सीधा ग्रिड को देना है। ना तो कभी वहाँ लोड कम होना है, ना ही लोड कभी क्या होना है ज़्यादा होना, ना लोड बढ़ेगा ना लोड घटेगा, यानी जो लॉसेस हो रहे हैं वो उतने ही रहेंगे, कभी भी लॉस में कमी और वृद्धि वहाँ पर नहीं होने वाली है, फिक्स है वो ट्रांसफार्मर। इस तरीके से डिजाइन किया गया, जितना आएगा इनपुट उसको मैक्सिमम मतलब वोल्टेज को अप करके उसको क्या कर देना है, ग्रिड को दे देना है। तो कुल मिलाकर के पावर ट्रांसफार्मर को 100% जो मैक्सिमम जो एफिशिएंसी है उसके 100% लोड के लिए डिजाइन किया जाता है। कभी भी आंसर आपका ना तो 70% आएगा ना 50% आएगा ना
नो लोड, है ना। तो कुल मिलाकर के अभी डिस्ट्रीब्यूशन का भी क्वेश्चन आने वाला है, अभी पावर ट्रांसफार्मर का लिया, अब डिस्ट्रीब्यूशन का भी आएगा क्वेश्चन, बेफिक्र रहो, है ना। अब देखो ये तो आंसर आपका क्या आएगा, 100% के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। किसको डिजाइन किया जाता है? पावर ट्रांसफार्मर को, पावर ट्रांसफार्मर जिसमें लोड हमेशा नियत, मतलब लोड क्या मतलब, आपको तो ग्रिड को सप्लाई देनी है, ग्रिड जाकर के आपका वो डिस्ट्रीब्यूशन करना, ग्रिड से ट्रांसमिशन हो जाएगा, ट्रांसमिशन के बाद में फिर डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के वहां तो फिक्स है वो 100% दक्षता पर, फुल लोड पर काम करने के लिए बनाया जाता है ना, फुल लोड पर 100% लोड पर काम करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखना जरा। हाँ, 100% राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, टाइम स्टार्ट होता है। हाँ भाई, ट्रांसफार्मर की रेटिंग, हो गया स्टार्ट। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात, कोई प्रॉब्लम होगी तो थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टाइम। हाँ सॉरी, हाँ क्वेश्चन का जवाब आप मेरे को जरूर थोड़ा फास्ट देना जल्दी से, क्या आएगा? ट्रांसफार्मर की रेटिंग ली जाती है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग ली जाती है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग ली जाती है। टाइम्स अप। देखिए ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो ली जाती है तो हमेशा और हमेशा किस में ली जाएगी? हमेशा और हमेशा केवीए में ली जाएगी, किलो वोल्ट एम्पियर। किस में ली जाएगी? दोबारा सुन लो, किलो वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है? अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखो, ट्रांसफार्मर निम्न में से किसको नहीं बदलता है? ट्रांसफार्मर निम्न में से किसको नहीं बदलता है, बताओ भाई? ट्रांसफार्मर निम्न में से किसको नहीं बदलता है? ट्रांसफार्मर खाली जगह निम्न में से नहीं बदलता है, सॉरी गलत हो गया है ना थोड़ा, किसको नहीं बदलता है बताइए भाई? हो गए भाई 30 सेकेंड, बिल्कुल बताओ भाई, किसको नहीं बदलता है? किसको नहीं बदलता है बताओ भाई? क्या ट्रांसफार्मर वोल्टता को बदलता है? क्या ट्रांसफार्मर वोल्टता को बदलता है? बिल्कुल, स्टेप अप भी करता है, स्टेप डाउन भी करता है भाई, स्टेप को अप भी करता है, स्टेप डाउन भी करता है वी को, है ना। आई को धारा, आई मतलब करेंट को, ई क्या होगा बढ़ेगा तो धारा क्या होती है घटती है, धारा भी घटती और बढ़ती है, तो यानी ये भी बदलती है, यानी वोल्टेज भी बदलता है, ये भी बदलता है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं तो चलो छोड़ो। अब देखो इसमें से
ये है फ्रिक्वेंसी। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था फ्रिक्वेंसी, अगर हमने इनपुट कितनी दी हुई है 15 हर्ज़ दी हुई है, 50 हर्ज़ दी हुई है, 50 हर्ज़ दी हुई है, तो वो हमेशा 50 हर्ज़ ही रहेगी। तो आंसर क्या आएगा आपका, ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर अब देखो, हाँ अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भाई। इस सबके ये सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे, बेफिक्र रहो आप, हमारे पीडीएफ वाले सेक्शन पर जा करके, और वाईफाई स्टडी का जो ऐप है उसके उससे भी आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो इसको। हाँ क्वेश्चन जो है हमारा स्टार्ट हो गया है। हाँ बताओ भाई क्या होगा, ट्रांसफार्मर की कोर बनी रहती हैं, ट्रांसफार्मर की कोर बनी रहती है, पचास हर्ज को ही ये क्या करेगा, 50 हर्ज में कन्वर्ट करता है ट्रांसफार्मर, हमारे इंडिया के लिए, बाहर के देशों में 60 चल रही है, ठीक है, शाबाश। क्या बोला आपने, एक ट्रांसफार्मर की कोर बनी रहती, हाँ देखोगा भाई ट्रांसफार्मर की कोर बनी रहती, किसकी बनी रहती, सिलिकॉन स्टील की बनी रहती है कि क्रोमियम की बनी रहती है कि लो कार्बन स्टील की बनी रहती है कि उच्च मात्रा में सिलिकॉन स्टील की बनी रहती है। अब क्लियर समझना मेरी बात को, क्रोमियम की कभी नहीं बनाएंगे क्योंकि क्रोमियम की आंतरिक संरचना दुनिया के सभी धातुओं में, जितनी भी धातुएं हमारे पास आज मौजूद हैं उन सभी के अंदर क्रोमियम की आंतरिक संरचना बहुत ज़्यादा जटिल होती है, तो ये ऑप्शन में कभी नहीं आएगा। इसके बाद में लो कार्बन स्टील, ये भी नहीं आएगा यहाँ पर। अब नीचे थर्ड नंबर, उच्च मात्रा में सिलिकॉन स्टील मिलाकर बनाई जाएगी या फिर सिलिकॉन स्टील शीट की बनाई जाएगी। तो एक में लिखा हो उच्च मात्रा में सिलिकॉन मिलाना है, एक में लिखा हुआ है सिलिकॉन केबल मिलाना है। तो जरा इन दोनों बातों को जरा हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर का जो पटलित क्रोड होता है, यानी क्रोड जो होता है, लेमिनेटेड कोड जो होता है ना, वो कोर किसका बना होता है, नर्म लोहे का है ना, यानी कि लोहे का, यानी एफी का बना रहेगा, और एफी शुद्ध लोहा कहलाता है, नर्म लोहा यानी सॉफ्ट आयरन कहलाता है, उसका बना रहेगा। और इसका जो रिलेक्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, ये चुंबकीय फ्लक्स को लो रिलेक्टेंस पथ प्रोवाइड कराता है, ठीक है। लेकिन ये जब हमारा एक लॉस आता है, कौन सा लॉस आता है हमारा, आता है हिस्टोरेसिस लॉस के कारण रेगुलरली ध्रुवता क्या होती है, बदलती है। ध्रुवता बदलने के कारण अंदर की पोलरिटी जो होती है वो चेंज होती है, अंदर के जो आपके अणु हैं वो बार बार क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट करने के बाद में वो आपका जो कोर है वो गर्म होने लग जाती है। उस गर्मी के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसकी क्या होती है, लॉसेस होना शुरू हो जाता है, यानी मैग्नेट का लॉस होना शुरू हो जाता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का जब लॉस होगा तो हमारे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। यानी मेन कारण क्या रहा, वो आपके पोलरिटी चेंज होने के कारण हीट क्रिएट हुई। पोलरिटी चेंज तो होना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी जा करके अपना ट्रांसफार्मर काम करेगा, ठीक है, उसको तो हम नहीं कर सकते, उसको तो जितना है उतना रखना पड़ेगा। पोलरिटी फ्रिक्वेंसी अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है हमेशा। अच्छा तो जैसे अब वो जो हीट क्रिएट हुई तो हीट को हमें बाहर निकालना है, और हीट को बाहर निकालने के लिए हम इसके अंदर क्या मिला देंगे, सिलिकॉन मिला देंगे। क्या मिला देंगे, सिलिकॉन मिला देंगे। और सिलिकॉन का आपको परसेंटेज मैंने पिछली क्लास में बताया था, 2-4%, कई जगह 2-5% भी लिखा गया है, लेकिन आप अगर अच्छे लेवल की बात करें और बढ़िया समझें तो 2-4% ही आता है, 5% भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा इसका फिक्स वैल्यू की बात करें तो 3.8 भी कई जगह है, तो 3.8 भी बहुत सही है, मतलब वैल्यू अगर कोई एक फिक्स वैल्यू पूछ ली जाती है तो 3.8 लगा देना, बाकी 2-4% के बीच में रहेगा। हाँ कई प्राइवेट एडिशंस वगैरह 2-5% भी लिख रहे हैं, तो 19-20 है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिलिकॉन मिलाते ही होगा क्या, सिलिकॉन रेत में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का क्रिस्टल, हीट को जल्दी अब्सॉर्ब करता है और जल्दी से क्या करता है, रिलीज भी कर देता है, ठीक है। सिलिकॉन कहाँ कहाँ डाला जाता है भाई, रेलवे ट्रैक के अंदर, अगर रेलवे ट्रैक की बात करें तो रेलवे ट्रैक के ऊष्मीय विस्तार को रोकने के लिए, यानी हीट के कारण जो उसके अंदर प्रॉपर्टीज में अंदर जो चेंज होते हैं जिससे क्या होता है उसकी लेंथ बढ़ती है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं उसके अंदर सिलिकॉन डालते हैं, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, किसी भी धातु के अंदर कोई भी अदर जो सिलिकॉन वगैरह के अगर मिलाया जाता है
तो कुल मिलाकर के एक जो लेवल है वहाँ तक ही मिलाओगे आप, बहुत ज़्यादा मिला दो। अगर आप ये बोलो सर हम तो सारी ईट बार निकालना चाह रहे हैं, सिलिकॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा कर दो, तो भाई अगर हमने सिलिकॉन ज़्यादा कर दिया तो जो लोहा इसे लो रिलेक्टेंस पथ प्रोवाइड करा रहा था वो लो रिलेक्टेंस पथ प्रोवाइड नहीं कराएगा, और सीधी सी बात है हमारा ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सिलिकॉन आएगा। यहाँ पर जरूरी नहीं कि मेरा उद्देश्य यही हो कि क्वेश्चन कराना है, मेरा उद्देश्य ये भी है कि आपको चीज़ों को क्या करना और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाना भी है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा, बी डी आंसर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि रिलेक्टेंस जो पथ होता है लो रिलेक्टेंस पथ प्रोवाइड कराने का काम अगर ज्यादा सिलिकॉन कर दोगे तो नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। तो भाई क्या होगा, अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर क्या काम करता है। भाई ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर मतलब क्या काम, मतलब खाली जगह में आपको भर के बताना है कि भाई क्या काम करेगा। चेंज एसी टू डीसी, है ना, चेंज क्या करेगा, एसी को डीसी में चेंज करेगा। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि भाई चेंज करेगा एसी को डीसी में चेंज करेगा, स्टेप अप और डाउन डीसी वोल्टेज। यहाँ शब्द को ध्यान रखना, किसको डीसी वोल्टेज के लिए बोला गया है ना, यहाँ एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। चेंज डीसी टू एसी, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया ट्रांसफार्मर के द्वारा। और अंतिम ऑप्शन है स्टेप अप करेगा, स्टेप डाउन करेगा किसको, वोल्टेज को। स्टार्ट करो भाई, क्वेश्चन समझ लिया आप लोगों ने, जल्दी से दिमाग लगा लो थोड़ा सा। पंद्रह सेकंड में मैं स्टॉप करने वाला हूं इसको, स्टॉप, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए क्या काम करेगा, जरा सोच के बताओ क्या काम करेगा। चेंज एसी टू डीसी, दर ध्यान देंगे सभी, देखो चेंज एसी टू डीसी, एसी को डीसी में बदलने का काम, भाई एसी को डीसी को बदलने का काम करता रेक्टिफायर, है ना। और सबसे अच्छा रेक्टिफायर कौन सा होगा, फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर में भी सबसे अच्छा कौन सा होगा, वैसे तो ब्रिज रेक्टिफायर भी बहुत बढ़िया है, ब्रिज रेक्टिफायर होगा जिसमें कम लागत आती है और अच्छे ढंग से तैयार हो जाता है, 81.2% उसकी दक्षता रहती है। तो एसी को डीसी में काम करने का काम तो कौन करेगा, रेक्टिफायर। अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना, आपका एक कम्यूटेटर भी होता है, पढ़ा होगा आपने, है ना। कम्यूटेटर कहाँ रहेगा, डीसी, सॉरी जो हमारा जनरेटर रहता है ना, कि नहीं, डीसी जनरेटर जो रहेगा उसके अंदर क्या रहेगा, आपका एन और एस दो पोल रहेंगे, उसके बीच में आर्मेचर रहेगा, आर्मेचर के अंदर पैदा जो करंट होगी वो होगी एसी, और एसी को कम्यूटेटर कॉपर सेगमेंट का होता है, बीच में माइके की परत रहती है, आधार बेकेलाइट का बना रहता है। तो जैसे ही उसकी सप्लाई कम्यूटेटर पड़ जाएगी तो कम्यूटेटर आर्मेचर में क्या बना, एसी, कम्यूटेटर ने उसे कन्वर्ट किस में कर दिया, डीसी में। तो एसी को डीसी में यहाँ पर आपका एक कम्यूटेटर भी करता है, लेकिन ट्रांसफार्मर कभी भी एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता। अब नीचे आ जाओ भाई, नीचे क्या है आपका ऑप्शन, स्टेप अप और स्टेप डाउन, भाई डीसी वोल्टेज को बोल रहा है स्टेप अप स्टेप डाउन, तो ये भी मामला क्या है, गड़बड़ है, इसको भी हम नहीं लगा सकते। चेंज डीसी टू एसी, भाई डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, डीसी को, अच्छा डीसी मोटर के अंदर जाओ और डीसी मोटर के अंदर कम्यूटेटर को हम सप्लाई क्या देते, डीसी, और कम्यूटेटर उसको कन्वर्ट किस में कर देता है, एसी में। तो मोटर के अंदर कम्यूटेटर क्या कर देता है, डीसी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, एसी के अंदर, कम्यूटेटर किसके अंदर, मोटर में। और अगर वही जनरेटर में चले जाएं डीसी जनरेटर में, तो एसी को किस में करता है, डीसी में। तो कम्यूटेटर की बात हुई है ना, लेकिन यहाँ पर कभी भी ट्रांसफार्मर डीसी पर तो काम करता ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज, बिल्कुल बात सही है, सिंपल सा क्वेश्चन था, टाइम ऊपर वाले ऑप्शन में मैंने ज़्यादा लिया, कारण क्यों, क्योंकि आपको थोड़ा सा समझा भी दें एक एक पॉइंट के बारे में, क्योंकि यही चीज़ें हैं एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम जो पढ़ते हैं उसमें से ही क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए। हमने स्टार्ट कर दिया है, क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, सीधा क्वेश्चन है, ज्यादा समय दे दिया मैंने आपको, 20 सेकंड के अंदर मैं रोक दूंगा आप इसके बाद, जल्दी जल्दी जल्दी, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। स्टॉप, बस बहुत है, हाँ बताओ भाई, मैं 20 सेकंड कर दूँ इसको, नहीं तो तुम बार बार वही लग रहा है। हाँ भाई, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तो मैंने आपको बताया था ये, अगर आपसे कोई बोलते थे ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है,
वर्ड दिया है ट्रांसफार्मर, वर्ड वर्ड क्या दिया हुआ है ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर जब वर्ड दिया हुआ तो भाई सीधी सी बात है 100% तो आइडियल की होती है, या तो आइडियल वर्ड आया नहीं तो 100% तो हम लगा नहीं सकते, 50 और 25 तो किसी कंडीशन में आंसर क्या है 98% ट्रांसफार्मर। अगर नॉर्मल शब्द देता है ट्रांसफार्मर तो आपको मैंने बता ही दिया था कल की क्लास में कि भाई ये कितना हुआ। अगला है, अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, 30 सेकंड का समय मिलेगा आपको, स्टार्ट कर दिया है भाई, क्वेश्चन को ज़रा समझने के देखना। थोड़ा फास्ट, ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, ट्रांसफार्मर कोर्स आर लेमिनेटेड इन ऑर्डर टू, किसके कारण से किया जाता है, तो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, लागत को कम करने के लिए, निर्माण को आसान बनाने के लिए, हिस्टोरेसिस हानि को समाप्त करने के लिए। टाइम साहब भाई सारा समझ लो इस क्वेश्चन को, देखो मैं थोड़ा नीचे से चलता हूँ है ना, तो कई लोगों ने आंसर दिए भी हैं यहाँ पर, 2 सेकंड में देख लो जरा आपके क्या आंसर आपके आ रहे हैं। और हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे सीख गए हो अबे ना, लेकिन यार कुछ लोग गड़बड़ कर जाते हैं तो मामला डी 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 कर दिया है ना कई लोगों ने, तो डी जिन्होंने डी किया है उसका मतलब ये है उन्होंने पिछली क्लास अटेंड नहीं की हो, पिछली क्लास अटेंड नहीं की तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दो भाई। हिस्टोरिकल लॉस को कम करने के लिए तो हमारा क्या करना पड़ता है, हमने अभी बात की थी लोहे के साथ में क्या मिलाना पड़ता है, सिलिकॉन मिलाना पड़ता है, ठीक है, लोहे के साथ में सिलिकॉन मिलाना पड़ता है किसको कम करने के लिए, हिस्टोरिकल लॉस को कम करने के लिए ना। अब लागत वागत से तो हमारा कोई लेना देना यहाँ है नहीं, अब बात करने वाले हैं किस पर, भंवर धारा हानि। भाई मैंने आपको बताया था भंवर धारा हानि को जितना ज़्यादा एरिया मतलब वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा उसको एरिया ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा ये भंवर क्या करेगा बनाए, कल मैंने आपको बताया था डिस्क का एग्जांपल देके, डिस्क की जगह पे कल तो मैंने आपको डिस्क बनाया था, गोल आकार की डिस्क ली थी ना, तो अगर डिस्क की जगह ये क्या हो चौकोर भी अगर कोई चीज़ होती, अगर इस तरीके से आयताकार भी कोई चीज़ होती तो यहाँ पर भी क्या होता आपका, यहाँ पर भी क्या होता आपका भंवर का निर्माण बहुत तगड़ा हो रहता है ना। तो कुल मिलाकर कहा जाए भंवर को कम करने के लिए हमने क्या कर दिया यहाँ पर, लैमिनेटेड कर दिया, लैमिनेटेड कर दिया, ठीक है। लैमिनेटेड करने से हुआ क्या, अब जो भंवर बनेगा ना तो भंवर बहुत छोटा बनेगा, भंवर से भंवर जब बनेगा तो भंवर बहुत छोटा बनेगा, बहुत ही छोटे साइज का बनेगा, भंवर से इतना नुकसान नहीं होता, भंवर से निकलने वाला जो चुंबकीय जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्रों को काटता उससे ज़्यादा नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर के जब यही छोटा बनेगा तो ये इतना प्रभावशाली नहीं होगा, तो कुल मिलाकर के हम क्या करेंगे भंवर धारा हानि को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर में कोर को लैमिनेटेड कर दिया जाता है, लैमिनेटेड। अब यहाँ ध्यान समझना, कोर पहले आप पत्तियां बनाओगे, पत्तियां बनाने के बाद में उनके बीच में माइका पेपर की या कि वार्निश की या किसी और चीज़ की क्या कर दो परत कर दोगे। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट है ध्यान देने वाला, जितनी आपकी प्लेट की मोटाई होगी, कल की क्लास में मैंने बताया था 0.35 mm से 0.5 mm के बीच में 50 हर्ट्ज के लिए रखा जाता है ना, और 25 हर्ट्ज के लिए अगर देखना है तो पहले पिछली क्लास में चले जाओ भाई, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। और जितनी लैमिनेटेड कोर की मोटाई होगी, जितनी लैमिनेटेड कोर की मोटाई होगी उतनी ही इंसुलेशन की मोटाई रखी जाती है। एग्जाम में अगर कोई पूछ लेता है कि भाई 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए इंसुलेशन की मोटाई कितनी होगी, तो इंसुलेशन की मोटाई भी आपको क्या बोला 0.35 mm से 0.5 mm तक, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो मेरे को बता देना भाई, कमेंट में देख रहा हूँ, 2 सेकंड है ना। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा 7। हाँ अगला क्वेश्चन है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ाता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ाता है, बताओ क्या बढ़ाता है, क्या वोल्टेज बढ़ाता है, क्या करंट बढ़ाता है, क्या पावर बढ़ाता है, क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है, जल्दी फास्ट फास्ट। फास्ट शाबाश, टाइम हो गया, ध्यान, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे बढ़ाता है, क्या वोल्टेज बढ़ाता है, क्या करंट बढ़ाता है, क्या पावर बढ़ाता है, क्या फ्रीक्वेंसी, भाई पावर। दुनिया का कोई भी ट्रांसफार्मर चाहे स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन हो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, इस पर शब्दों पर ध्यान देना,
दुनिया का कोई भी ट्रांसफार्मर हो, चाहे स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन हो, आप इनपुट में जितना पावर दोगे, जितना पावर आप इनपुट में दोगे उतना ही पावर आप पावर आउटपुट में प्राप्त कर पाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हमेशा पावर में क्या आएगी, कमी, चाहे स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन हो, पावर में क्या आएगी, कमी आएगी। क्योंकि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी है हमारी, 98%, यानी अगर आपने पावर 100 वाट दी है तो आपको उधर की तरफ अगर दक्षता के अकॉर्डिंग 98% है तो 98 वाट ही मिलेगा। तो कुल मिलाकर के पावर तो कम होगा चाहे स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन हो, इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो पावर में कमी आती है और पावर से इसका कोई रिलेशन ट्रांसफार्मर का डायरेक्ट नहीं होता है, तो ट्रांसफार्मर इसका तो है ना। अब मैंने आपको एक बात आपको बताई दी है कि भाई कभी भी पावर फ्रिक्वेंसी में अभी कन्वर्ट नहीं करता है, फ्रिक्वेंसी कभी भी नहीं बदलता है ना। अच्छा, करंट, करंट एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ाता है, स्टेप अप बढ़ाता है तो हमेशा बढ़ाएगा किसको, वोल्टेज को, वोल्टेज को बढ़ाएगा तो करंट क्या होती है, उल्टी होती है, कम होती है। तो ठीक है, कोई परेशानी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ये, हाँ, स्टार्ट। एक वितरण ट्रांसफार्मर यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की दक्षता यानी एफिशिएंसी कितनी होती है, दक्षता, एक वितरण ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज, मतलब उसकी दक्षता कितने प्रतिशत पर रखी जाती है। मैं इसमें थोड़ा सुधार करूँ, यहाँ पर एक पॉइंट लिखना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ एक हल्का सा पॉइंट लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ समझना मेरी बात को। एक वितरण ट्रांसफार्मर की कार्यकारी, यहाँ एक वर्ड आप जोड़ लो, कार्यकारी, ठीक है, काम करने वाली है ना। तो किसको किस किस हिसाब से डिजाइन किया जाता है, उसे 50% लोड के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है, 50% लोड के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है ना। वैसे क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैंने आपको समझाने के लिए ये शब्द और लिखा है यहाँ पर। देखो होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो संख्या होती है वो होती ज़्यादा शहरों में लगाए जाते हैं, ठीक है, और शहरों में जब ये लगाए जाते हैं तो यहाँ फिक्स नहीं होता है। सुबह की टाइम अगर 7 बजे की बात करें तो सारे लोगों का आना जाना इधर उधर रहता है, तो सीधी सी बात है सभी लोग बाहर चले जाते हैं, जो भी उनका काम वगैरह जहाँ पर भी होता है वहाँ चले जाते हैं। 7 से 10 के बीच में लोड बहुत कम हो जाता है, ठीक है, लेकिन 10 बजे बाद में थोड़ा थोड़ा लोड। कंपनीज वगैरह की बात करें तो 10 बजे ऑफिस खोलते हैं, अचानक से लोड बढ़ता है ट्रांसफार्मर पर, तो यानी ये तो कंपनी वगैरह की, शाम की टाइम की बात करते, गर्मियों के दिनों की बात करते तो 8 बजे के बाद में सबके कूलर एसी वगैरह सारी चीज़ें चालू हो जाती है, तो एकदम से लोड बढ़ता है। तो लोड बढ़ने के कारण हम पहले ही ट्रांसफार्मर को 50% फुल लोड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिज़ाइन कर देते हैं। और 50% फुल लोड के अकॉर्डिंग हमने एक बार डिज़ाइन कर दिया, ठीक है, अगर मान लो इस पर लोड बहुत ज्यादा बढ़ भी जाता है तो 50 का 60-70-80-90% तक, 60-70-80% तक हो जाएगा, ट्रांसफार्मर गर्म होगा। लेकिन अगर हम मान लो हम पहले ही 100% पर चलाएंगे और इस पर लोड पड़ा तो ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, जल जाएगा, और तो डेली क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर रिप्लेस करना पड़ेगा, खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को हमेशा हम 50% लोड पर ही चलाने के लिए डिजाइन करते हैं। वितरण ट्रांसफार्मर की दक्षता हम कितने के अकॉर्डिंग कहां से लेने की कोशिश करते हैं, 50% से लेने की कोशिश करते हैं ना, हमेशा हम 50% 50 के 19-20 होता रहता है, 50-60-70, लेकिन बनाया डिजाइन किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, 50% के अकॉर्डिंग। नहीं तो ऐसे तो डेली ट्रांसफार्मर जलेगा और डेली बदला जाएगा तो बहुत मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी और लगाने में इन सब में बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। पावर ट्रांसफार्मर की बात करी जाए तो 100%, वितरण ट्रांसफार्मर की बात करी जाए तो 50%। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है भाई, स्टार्ट। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली के बीच प्रतिरोध होता है, बताओ भाई आंसर कितना आएगा। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली के मध्य प्रतिरोध कितना होता है। इन अ ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में
रेजिस्टेंस कितना होता है, तो बताओ भाई कितना होता है। तो आंसर हमेशा यहाँ पर ना तो जीरो आएगा, ना एक ओम आएगा, ना यहाँ पर आंसर आएगा इन्फिनेटिव, है ना कि नहीं, अनंत होता है। क्या बोलना पड़ेगा? अनंत, यानी इन्फिनेटिव रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा इतनी ध्यान रखना। तो बोले सर फिर एक उससे एक कॉइल से दूसरी कॉइल में फिर ट्रांसफार्मर, भाई ये आपने क्या बताया कि भाई एक कुंडली और दूसरी कुंडली के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो होता ही नहीं ना कॉइल का। जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं मिलेगा दूसरी कॉइल के साथ में, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया, यानी इन्फिनिट। लेकिन जो हमारा जो पावर है, वो पावर जो हमारी पावर है, वो पावर किसके थ्रू? फ्लक्स के माध्यम से। किसके माध्यम से? फ्लक्स के माध्यम से, यहाँ से यहाँ, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स के माध्यम से यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगी? ट्रांसमिट हो जाएगी, है ना। तो इसलिए यहाँ फ्लक्स के माध्यम से ट्रांसमिट होती है, इसलिए यहाँ इन्फिनिटिव आएगा, ठीक है। अगला पॉइंट 13 नंबर, हाँ चम तो नहीं हुआ, ठीक है, स्टार्ट। क्वेश्चन है आपका, परिवर्तनशील हानि होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेरिएबल लॉस, है ना, कौन सा परिवर्तनशील हानि होती है? टाइम्स अप। हाँ देखिए होगा क्या, समझना मेरी बात को, एक एक पॉइंट को जरा क्लियर करना भाई। परिवर्तनशील हानि कौन सी? कल स्पेशली बहुत अच्छे तरीके से लिखवाया था आपको बोर्ड पर, बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया था कि भाई लोहे के अंदर जितनी भी हानियाँ होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? स्थिर होती हैं। और कॉपर के अंदर जितनी भी लॉस होते हैं वो सारे सारे क्या होते हैं? अस्थिर होते हैं। बाकायदा मैंने शब्द लिखा था, मैंने बोला था एक एक शब्द पर आप ध्यान देना, एग्जाम में इन्हीं शब्दों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो देखो भाई, परिवर्तनशील हानि, परिवर्तनशील यानी चेंजेबल, चेंजेबल यानी लोड में चेंज हमेशा होता रहता है। लोड में जब हमेशा चेंज होता रहता है तो वोल्टेज तो हमें जो मिलना होता है वो तो निश्चित है मिलेगा, लेकिन हमें अगर पावर ज़्यादा चाहिए तो हम करंट का मान बढ़ाते हो, करंट से हम क्या करते हैं। तो कुल मिलाकर के करंट पर डिपेंड होने वाली राशि कौन सी है? कॉपर लॉस। मैंने आपको वहाँ करंट भी लिखा था, कॉपर पर डिपेंड होता है ये भी बताया था आपको, लेकिन अब आप अगर ध्यान दोगे तो हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आपके जो आंसर आए हैं मेरे पास में वो भी मैं जरा देव सेकेंड, आंसर भी आपके कुछ स्टूडेंट्स के ठीक आए हैं, ठीक है, और लेकिन बिल्कुल कुछ स्टूडेंट के ठीक आए हैं आंसर, है ना, लेकिन कुछ लोगों ने बी लिख दिया है, बड़े तगड़े तरीके से बी लिखा है, तो कई लोगों बी वाला तो मामला गलत। अब शैथिल्य, हिस्टोरेसिस लॉस, हिस्टोरेसिस लॉस तो स्थिर हानियों में आती है, लोहो हानियों में आती है ना, तो कुल मिलाकर के हिस्टोरेसिस लॉस कभी भी नहीं हो सकता है, हिस्टोरेसिस लॉस नहीं होगा, एडी करंट लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? स्थिर में आते हैं, है ना, ये तो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, दोनों ये क्या है? कांस्टेंट है, मैंने कल क्लियरली बताया था, ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है ना, ये सब आयरन में आते हैं, है ना, ये सब आयरन लॉस में आते हैं। कौन सा लॉस? कॉपर लॉस। कॉपर लॉस हमेशा बदलता रहेगा लोड के अनुसार, जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे ये क्या होगा? बदलता रहेगा। तो कुल मिला के कॉपर लॉस आपका आंसर है, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए स्टार्ट। टाइम, भंवरधारा हानि निर्भर करती है, एडी करंट लॉस विल बी डिपेंड ऑन, किस पर निर्भर करती है भंवरधारा हानि? भंवरधारा हानि किस पर निर्भर करती है? टाइम्स अप, टाइम्स अप। तो भंवरधारा हानि, एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस किस पर डिपेंड करता है भाई? फ्रीक्वेंसी। चलो फ्रीक्वेंसी तो चलो एक अलग बात है, फ्रीक्वेंसी घटने बढ़ने, चलो ठीक है, आगे और ऑप्शन देखते हैं। फ्लक्स घनत्व पर? नहीं यार, मोटाई पर। कल मैंने स्पेशली वहाँ लिखा हुआ था मोटाई, ध्यान रखना। भंवरधारा हानि को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का जो सॉलिड जो कोर रहता है उसको सॉलिड ना बना के लेमिनेटेड पटलित बना देते हैं, यानी लेमिनेटेड कोर बना देते हैं ना, और लेमिनेटेड कोर बनाते हो तो लेमिनेटेड कोर बनाने के लिए हमने क्या कर दी, उसकी मोटाई को क्या करा? कम कर दिया, यानी डिपेंड किस पर करेगी? मोटाई पर। मोटाई हम कितनी रखते हैं भाई? दोबारा से मैं आपको कर देता हूँ, 0.35 mm से 0.5
mm कितने हर्ज पर, 50 हर्ज पर, कितने पर, 50 हर्ज पर। भारत की मानक फ्रिक्वेंसी, स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी कितनी, 50 हर्ज। लेकिन अगर 60 हर्ज की बात कर देता है कोई भी, 60 हर्ज की बात कर देता है कोई भी, तो आपको बोलना है 0.25 mm से 0.4 mm तक बोलना है, ठीक है। इस बात को आप हमेशा याद रखना, ठीक है। अगला पॉइंट पे, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो आंसर क्या आया, थिकनेस मोटाई, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपका सामने और टाइम्स मैंने स्टार्ट कर दिया है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं आपके लिए। टोटल कोर लॉस इज आल्सो कॉल्ड, सभी कोर हानियों को क्या कहा जाता है, सभी कोर हानियों को क्या कहा जाता है, सारी मिलाकर के फिक्स किसे क्या कहते हैं, सभी कोर हानियों को क्या कहा जाता है। शाबाश, बंद प्लेट, बताओ भाई, शाबाश। ध्यान सुनो, सभी, मैंने कल आपको बताया था एडी करंट लॉस और हिस्टोरेसिस लॉस, है ना, भंवर धारा हानि और हिस्टोरेसिस हानि दोनों मिलकर के क्या बनाती है, लॉस, है ना, आयरन लॉस बनाती है ना। अगर ये दोनों मिलकर के आयरन लॉस बनाती हैं, लेकिन ये दोनों ऑप्शंस में क्या है, अलग अलग हैं। लेकिन आयरन से ही तो क्या क्रिएट होता है, मैग्नेट, आयरन से क्या क्रिएट होता है, मैग्नेट, और जो हानि होगी वो यहां पर किसकी होगी, मैग्नेट की होगी। और मैग्नेट बनाने के लिए, अब यहां पॉइंट टू पॉइंट समझो, मैग्नेट बनाने के लिए हमें ध्यान क्या देनी पड़ती है, सप्लाई, विद्युत शक्ति यानी पावर देनी पड़ती है ना। और जब हम सप्लाई देते हैं तो उससे क्या बनता है, मैग्नेट बनता है, किसके अंदर, कोर के अंदर मैग्नेट बनता है। और कोर के अंदर मैग्नेट यानी फ्लक्स के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाती है, है ना। तो कुल मिलाकर के हम कोर हानियों को, दोनों को मिलाकर के अगर कोर में हानि हो रही है तो इन दोनों के कारण ही क्या मैग्नेट की है, यानी किसकी है ये हानि, तांबे, क्या ना, चुंबक की हानि। ताम्र हानि ये कभी भी नहीं हो सकती, ताम्र हानि क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये कॉपर के अंदर कभी भी नहीं आती। लोह हानि में कौन सी आती है, एडी और हिस्टोरेसिस आती है, लेकिन ये दोनों मिलकर के क्या बनाती, मैग्नेट बनाती है। मैग्नेट का अगर लॉस हो जाएगा तो हमारा फ्लक्स एक जगह से दूसरी जगह कम मात्रा में पहुंचेगा, तो हमारा हानियों का मान क्या होगा, बढ़ गया, जिससे दक्षता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तो मैग्नेट आएगा, है ना। एक क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से छूट गया है ना, नहीं सही है, हो गया है ना। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, हाँ देखिएगा, ये मैंने टाइम स्टार्ट कर दिया, एक ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य किसको बदलना होता है, द बेसिक फंक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज टू चेंज, किसको बदलना होता है भाई, बताओ भाई, शाबाश 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 शाबाश, बहुत अच्छे। यहां पर जो आपका आंसर आने वाला है, यहां पर जो आपका आंसर आने वाला है, तो सीधे सीधे आपको कहां ले जाना है, किसको बदलता है भाई, पावर को, पावर के स्तर को कभी भी नहीं बदलेगा, मामला गड़बड़ है यहाँ पर। यहाँ पर शक्ति गुणांक का भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ वोल्टता के स्तर को बदलता है, आवृत्ति को नहीं बदलता, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर के हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देंगे जरा। स्टार्ट, उच्च, एक उच्च क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर में कोर बनाई जाती है, उच्च क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर में कोर बनाई जाती है भाई, किसकी बनाई जाती है, कास्ट आयरन की बनाई जाती है, माइल्ड स्टील की बनाई जाती है, फेराइट की बनाई जाती है, सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाबाश, टाइम हो गया है, बताओ भाई, सी सी, अरे यार तुम लोग ना कभी सी बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं ना, कभी डी आ गया, अब डी आ रहा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना।
अब देखिए जरा समझना मेरी बात को, यहाँ पर कास्ट आयरन कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि आज तक कभी भी कास्ट आयरन का यूज़ नहीं किया गया कोर बनाने के लिए, ठीक है। अगले पॉइंट पर माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील का भी यहाँ यूज़ नहीं होगा। जब भी हम डीसी के थ्रू मैग्नेट बनाते हैं तब वहाँ माइल्ड स्टील यूज़ में लेते हैं, डीसी से मैग्नेट बनाएंगे तो माइल्ड स्टील यूज़ में लेंगे, और अगर हम एसी से बनाते हैं तो बेसिकली सिलिकॉन स्टील यूज़ में लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द है उच्च क्षमता, बहुत ज़्यादा जिसकी क्या हो क्षमता क्या हो बहुत ज़्यादा हो, तो सीधी सी बात है यहाँ पर आपका आंसर जो जाएगा वो किस पर जाएगा, फेराइट पर। किस पर जाएगा, फेराइट पर। इस क्वेश्चन को थोड़ा याद रखना हमेशा, किस पर जाएगा, फेराइट पर। सिलिकॉन पर भी यहाँ पर आंसर नहीं जाएगा, नॉर्मल होता तो हम सिलिकॉन पर जाते, लेकिन एक लार्ज पावर ट्रांसफार्मर बोला गया है इसलिए क्या वो किस पर चले जाएंगे, हम फेराइट कोर पर चले जाएंगे, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है आपकी बार। स्टार्ट, हाँ जी, शाबाश शाबाश। हाँ देखिएगा, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था यहाँ पर लेगा लोह हानि तथा ताम्र हानि का अनुपात होता है ना कि नहीं। हाँ अच्छा, एक अच्छा यहाँ पर एक छोटा सा शब्द और आप यहाँ हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है हल्का सा, द ट्रांसफार्मर हैज मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी व्हेन द रेशियो ऑफ आयरन एंड कॉपर लॉस इज इक्वल टू, अधिकतम दक्षता। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में हल्का सा आप लोग देख लेना, इसमें लिख लेना एक अधिकतम दक्षता पर लोह हानि ताम्र हानि का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान से सुनो, मैंने कल आपको एक बात बताई थी, डब्ल्यू आई यानी आयरन लॉस बराबर क्या होगा डब्ल्यू सी के यानी कॉपर लॉस के। जब डब्ल्यू आई और डब्ल्यू सी के क्या होगा बराबर होगा तो हमारी जो एफिशिएंसी है, जो हमारी एफिशिएंसी है वो क्या आएगी, बहुत ज़्यादा उच्च आएगी। अधिकतम दक्षता जो आएगी वो हमारी उच्च आएगी जब आयरन लॉस किसके बराबर होगा कॉपर लॉस के बराबर होगा, यानी दोनों बराबर होंगे, यानी वन रेशियो क्या हो गया वन हो गया, यानी कि एक अनुपात क्या हो गया ये आपका एक हो गया। तो कुल मिलाकर कहा जाए आपका एक अनुपात एक जब आपकी क्या रहेगा दोनों में रेशियो क्या रहेगा वन रेशियो वन रहेगा तब। अब वन रेशियो वन का मतलब क्या होता है भाई, वन अपॉन वन रेशियो वन का मतलब क्या होता है, वन रेशियो वन यानी कि मतलब क्या आ गया एक, तो आंसर क्या आएगा आपका वन। तो ये था हमारा कितना आंसर हुआ एक, तो आंसर हमेशा क्या रहेगा एक। अब नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं, अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई। जो भी मैंने आज आपको यहाँ समझाया है ना उसके लिए आप हमेशा इसको क्या नाम पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना अपने वाईफाई स्टडी का जो ऐप है, इस ऐप में जाकर के आप पुराने वीडियो पुराने जो भी आपके बाकी है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, प्लस यहाँ से भी जो आज जो पढ़ाया वो भी डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा मेरी बात को जरा समझो, अगली क्लास में हम क्या समझने वाले हैं। अच्छा कुछ क्वेश्चंस के मैं और थोड़ा जवाब देना चाहूँगा अभी आपको भाई। कुछ बच्चों के माइंड में कन्फ्यूज़न क्या रहता है कि हाँ जो लॉस है नाम बोला गया आयरन लॉस, तो बच्चा क्या सोचता है दिमाग में वाला आयरन लॉस का मतलब यानी कि आपका लोहो की हानि लोहे की हानि, फिर बच्चा फिर दूसरा आता कॉपर लॉस यानी कॉपर में यानी कॉपर निकल के भाग जाएगा या लोहा निकल के भाग जाएगा, दोनों में से कुछ नहीं होने वाला, दोनों वहीं के वहीं रहेंगे और हमेशा जितनी क्वांटिटी में थे उतनी क्वांटिटी में रहेंगे। होता क्या है, लोहे के कारण विद्युत शक्ति हम इनपुट में क्या देते हैं सप्लाई सोर्स को जोड़ते हैं, तो विद्युत शक्ति की जो हानि होगी विद्युत शक्ति की जो हानि होगी जो लोहे के कारण होगी वो कहलाया जाएगा आयरन लॉस। और जो हानि हमने क्या दिया इलेक्ट्रिसिटी दी पावर दी और पावर के कारण किसने कॉपर की कॉयल ने क्या किया भाई उसको एब्जॉर्ब करना चाहिए था पूरा लेकिन उसने थोड़ा लीकेज कर दिया फ्लक्स को तो गर्मी पैदा कर दी, तो ये कॉपर के कारण से क्या हुई विद्युत शक्ति में हानि हुई। यानी हानि किसकी होती विद्युत शक्ति की पावर की हानि होती है ना।
तो पावर की हानि को हम किस में लेते हैं, वाट में लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर की जितनी हानियां सारी सारी वाट में आती है, जितनी हानियां होंगी उतना ट्रांसफार्मर क्या होगा, गर्म होगा, और जितना ट्रांसफार्मर गर्म होगा उसकी गर्मी को कम करने के लिए उसकी ट्रांसफार्मर की जो भार की जो संरचना उसमें क्या किया जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा। अब देखो मैं आपको हल्का हल्का वर्बली थोड़ा सा बता रहा हूँ भाई, ट्रांसफार्मर कहाँ, कंटेनर के अंदर हम ऑयल बेसिकली ऑयल भर करके और उसको पूरा फुल अप कर देते हैं, एक कंजर्वेटर टैंक होता है ना, सब सब हम कल की देखेंगे भी सही और उसको समझेंगे भी। कंजर्वेटर टैंक होता है, उसमें कितना ऑयल भरना रहना चाहिए, अधिकतम कितना भरा जा सकता है, दोनों क्वेश्चन आते हैं, ऑयल किस तरीके का होता है, फिर उसका किस तरीके से उसका क्या नाम है, ठंडा किस तरीके से किया जाता है ट्रांसफार्मर को। तो देखो ऑयल जब अंदर रहेगा, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग गर्म होगी तो ऑयल को भी गर्म करेगी, तो ऑयल का लेवल कहाँ जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा, ऊपर से फिर वो साइड में बगल में पाइप होते हैं, अब सीधे से गर्म होकर कोई चीज़ कहाँ जा रही है, ऊपर की साइड जा रही है, तो ऊपर से वो पाइप में पहुँचेगी, पाइप में क्या है, बाहर फ्लो हो रहा है हवा का, हवा से वो क्या हो रही है, पाइप क्या हो रही, ठंडी हो रही है, तो पाइप ठंडी होगी तो जो आपका ऑयल है वो ऑयल क्या होगा, ठंडा होगा, नीचे की साइड आ जाएगा, नीचे की साइड से फिर दोबारा गर्म होगा ऊपर। तो कुल मिलाकर के ये सब हम कल की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले, बकौल रिले की बात करने वाले हैं, आपका एक्सप्लोजन वेंट की बात करने वाले हैं। आज के लिए धन्यवाद करते हैं, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। चैनल को अपने वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो।